अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपकी शेफ़ अमेजोन आज एक नई रेसिपी के साथ, और रेसिपी है आपकी प्रोटीन शेक। कि आप घर में लो बजट में प्रोटीन शेक विदाउट प्रोटीन पाउडर के कैसे बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। प्रोटीन शेक के लिए आपको जो इन्ग्रीडियंट्स दरकार हैं, मिल्क, मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, कुछ चंद बादाम जो कि मैंने पानी में सोख करके रखे थे, और इनका छिलका उतार के मैं फिर इसको ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 बनानास लिए हैं, और ये मैंने हनी लिया है। हनी जो है वो मैंने प्योर हनी लिया है। अगर आपको नज़र आए तो ये छत्ते वाला हनी है कि इसके अंदर वैक्स भी है, तो अगर आपको प्योर हनी मिल जाए तो आप वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें शुगर नहीं यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसके अंदर बादाम के अलावा आप इसमें पीनट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिस्ता, या फिर काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो। ये एक ऐसा प्रोटीन शेक है जो कि विदाउट प्रोटीन पाउडर के घर में लो बजट पर बनाया जाता है। इससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। वर्कआउट से पहले भी आप इसको ले सकते हैं, और वर्कआउट के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 हनी आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून यूज़ करें, वो बेटर रहेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो 2 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बनानास डालूँगी। देन मैं इसमें ये मिल्क डाल रही हूँ। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आमंड्स। इसमें मैं पहले भी कुछ बादाम डाल चुकी हूँ, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये हनी। इसमें बहुत छोटे छोटे से आप वैक्स के चंक्स भी देख रहे हैं। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा इसमें हनी ऐड कर लें। मुझे जो है वो बहुत नॉर्मल सा मीठा पसंद है, लेकिन मैं ये खुद नहीं पीने वाली हूँ, मैं अपने बेटे को पिलाऊँगी। तो उसको ज़्यादा हनी पसंद है, मतलब उसको ज़्यादा मीठा, शुगर ज़्यादा पसंद है, तो वो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो वीवर्स देखिए, अब इसके साथ ये है कि सर्विंग करते वक्त जब तक आप बहुत अच्छे से इसको सर्व नहीं करेंगे तो इसका लुक जो है वो अच्छा सा नहीं आएगा। लो बजट रेसिपीज़ में आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी घर में रहते हुए भी किसी भी चीज़ से क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं उनसे भी आप क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। तो मैं इसमें इसको ग्लास को डेकोरेट करने के लिए ये पिंक वाला जो है वो थोड़ा सा ये ले रही हूँ। इससे मैं थोड़ा सा इसको जो है वो इसको मैं यहाँ पे इस तरह पोर करूँगी कि ये थोड़ा, वैसे तो लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि लिक्विड्स जो हैं वो किस तरह से जल्दी मिक्स होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसमें पिंक कलर का सिरप डाला है तो वो इसमें थोड़ा ठहर जाएगा, इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगा। इसमें हल्के हल्के से चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे बादाम के, बहुत सारे लोग जो हैं वो चंक्स मुँह में आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कुछ लोगों को बहुत बारीक पिसा हुआ बादाम अच्छा लग रहा होता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी आइस ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।